वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंह ऑटो जोन। दोस्तों, अगर हम भारत में इलेक्ट्रिकल कार्स की बात करें तो अभी मेनली दो ही, अगर इंडियन कंपनीज की बात करूं यहाँ, महिंद्रा और टाटा, इनकी दो गाड़ियां अवेलेबल है, महिंद्रा की ईवेरिटो और टाटा की टिगोर इलेक्ट्रिक। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि जो अभी तक इन गाड़ियों का रिव्यू निकल कर आया है, ये इनकी चार्जिंग स्पीड, इनकी चार्जिंग टाइम कम है, इनकी रेंज कम है, इनकी परफॉर्मेंस भी कम है, मतलब इनकी पिकअप जो होता है वो एट पार नहीं है बिल्कुल। दोनों हम सब जानते हैं कि नई नेक्स्ट जनरेशन जो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है उन पर एक गाड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, महिंद्रा और टाटा। लेकिन इन दोनों में से सबसे पहले टाटा मोटर्स ने कल ही अनाउंस किया है कि उसकी स्टेट ऑफ द आर्ट नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी जो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम रखा गया ZIPTRON, वो रेडी है। तो आज आज की वीडियो इसी पर रहेगी कि जो ZIPTRON है इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिकल कार्स है हमें क्या बेनिफिट, क्या बढ़िया मिलने वाला है, तो ये सारा कंपेरिजन करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो, अगर आप भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने की, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिए अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ZIPTRON बिल्कुल टाटा मोटर्स की स्टेट ऑफ द आर्ट नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी इसका नाम रखा गया है। इस पर बात करेंगे हम दोस्तों। इस प्लेटफॉर्म पर जो सबसे पहले जो गाड़ी लॉन्च की जाएगी 2020 मार्च में लॉन्च की जाएगी, कौन सी है वो, या तो नेक्सन हो सकती है या अल्ट्रोज, इनमें से कोई एक इसी प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी, लॉन्च की जाएगी। कंफर्मेशन नहीं है, जैसे ही कुछ नया निकल कर आएगा आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले। अब बात करते हैं इसमें बेनिफिट क्या है। दोस्तों, इस ZIPTRON को डेवलप किया गया है जो इंडियन रोड कंडीशंस है और जो हमारे इंडियन कस्टमर्स हैं, लाइक हम लोग, हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कितना हम रेंज चाहते हैं मिनिमम, कितनी हमें स्पीड चाहिए मिनिमम, उस हिसाब से इस सारे प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया। बिल्कुल एफिशिएंट, हाई वोल्टेज पर यह काम करेगा। पहले जो भी हमारे पास अभी अवेलेबल है दोनों गाड़ियां, वो 72 वोल्ट पर काम करती है, लेकिन ये 300 वोल्ट पर रहेगा, मींस की वोल्टेज ज्यादा रहेगी। जीपी परफॉर्मेंस मींस पिकअप भी आपको यहाँ अच्छी मिलने वाली है, और जो मिनिमम रेंज आपको मिलने वाली है इस प्लेटफॉर्म पर वो कम से कम 250 किलोमीटर की रहेगी। मींस अगर वहां पर दो मॉडल आते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक लॉन्ग रेंज, तो स्टैंडर्ड में भी आपको मिनिमम 250 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, और हाई रेंज में तो बिल्कुल 350-400 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। बिल्कुल फास्ट डीसी चार्जिंग की ऑप्शन भी आपको इसमें मिलेगी, और सबसे बड़ा बेनिफिट जो लिथियम आयन बैटरी पैक है वो लिक्विड कूल्ड रहेगा सारा, और उस पर 8 साल की बैटरी पैक और मोटर दोनों पर ही 8 साल की वारंटी मिलने वाली है, जो कि आई थिंक टेस्ला भी अपनी गाड़ियों पर 8 साल की वारंटी देती है, प्लस जो भी हाल में लॉन्च हुई है ह्युंडई कोना, वो भी 8 साल की वारंटी दे रही है। इसके अलावा 100% वाटर प्रूफ रहेगा, IP67 रेटिंग रहेगी, वाटर एंड डस्ट प्रूफ ये पूरा सिस्टम इसका होने वाला है। इसको ऑलरेडी टेस्टिंग काफी टाइम से इस पर टेस्टिंग चल रही थी, 1 मिलियन किलोमीटर की टेस्टिंग हो चुकी है, पूरे 350 इंजीनियर्स की टीम इस प्लेटफॉर्म को बनाने पर लगी है। जैसे मैंने बताया कि जो हाईली एफिशिएंट परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर रहेगी जो कि 300 वोल्ट पर काम करेगी। इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो तो बिल्कुल आपको मिलेगा, जिसमें ड्यूरिंग राइड ही आपकी बैटरी चार्ज होती रहती है। इस मैकेनिज्म में जब भी आप ब्रेक लगाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिससे आपकी जो लिथियम आयन बैटरीज है वो रिचार्ज होती रहती है। इसके अलावा दोस्तों, जो पूरा बैटरी पैक रहेगा उसको एक हाई स्ट्रेंथ स्टील केसिंग में उसको पैक किया जाएगा, इन केस ऑफ एक्सीडेंट या फायर, तो वो जो अगर फायर है तो वो उस केसिंग से बाहर ना आ सके, इन केस ऑफ एक्सीडेंट उस बैटरी पैक को ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 40% कॉस्ट तो इन बैटरीज की है, तो ये भी बहुत बहुत अच्छी बात है। 4G कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, जैसे कि आजकल हाईटेक गाड़ियों में आ रहा है कि 4G कनेक्टेड काफी तरह के फीचर्स, जिसको हम रिमोट से या ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब फीचर्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। ड्राइविंग मोड रहेंगे, स्पोर्ट्स, इको, हम जो सा भी चाहें, चाहे हमें रेंज चाहिए तो इको मोड, अगर हमें परफॉर्मेंस चाहिए तो हम स्पोर्ट्स मोड को क्लिक करके उस तरह की परफॉर्मेंस पा सकते हैं। तो इस तरह से ये प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है, और मेरा मानना है बिल्कुल ये इंडियन कंडीशन और हमारी जो रिक्वायरमेंट थी मिनिमम, उससे मेल खाता है। ये तो थी टाटा मोटर्स की टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं कि महिंद्रा या अदर जो इंडियन कंपनीज है वो किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्लेटफॉर्म तैयार करती हैं। मेरा बिल्कुल मानना दोस्तों, जो स्पेसिफिकेशन निकल कर आ रही है, अगर वाकई में ही जो अपकमिंग नेक्सन या अल्ट्रोज मार्च 2020 में टाटा लॉन्च करने वाला है, इसका मतलब कि फरवरी में जो ऑटो एक्सपो होने वाला है अगले साल, उसमें इसको दिखाया जाएगा और मार्च में उसकी बुकिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल जो भी नया अपडेट निकल कर आएगा आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।